अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज शहजाद मकसूद। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन माय YouTube चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज वीडियो में हम Samsung Galaxy A52 4G और 5G दोनों एडिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें सिर्फ आपको जो चिपसेट्स हैं उन्हीं में फिर फर्क देखने को मिलेगा, बाकी तमाम स्पेसिफिकेशन सेम होने वाली हैं। सो आज की वीडियो में हम इन दोनों एडिशंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस डिवाइस में आपको कौन से स्पेक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। काफ़ी टाइम से इसकी जो के स्पेसिफिकेशन थी इनको स्लोली स्लोली रिवील किया जा रहा था। सो फाइनली ऑलमोस्ट मास स्पेसिफिकेशन इसकी रिवील हो चुकी है और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जल्द ही यानी कि इन मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के दरमियान तक ये डिवाइस लॉन्च हो सकती है। सो 5G एडिशन तो ग्लोबली में भी लॉन्च हो जाए, लेकिन जो कि 4G एडिशन है पाकिस्तानी मार्केट में सिर्फ वो ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो आज की वीडियो में हम इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और इसका प्राइस टैग भी देखने वाले हैं। सो ये एक मिड रेंज प्राइस टैग में आपको डिवाइस मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त हमें से चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना वजह कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके कैमरा सेटअप को डिस्कस करें तो बैक पर इस डिवाइस में प्रोवाइड किया जाएगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड लेंस 8 मेगापिक्सल का होने वाला है, जबकि आखिरी और थर्ड वन कैमरा 5 मेगापिक्सल का होगा। साथ में आपको बैक पर LED फ्लैश भी मिल जाएगा। फ्रंट पर आए तो हमेशा की तरह सैमसंग की इस डिवाइस में भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा जो कि पंच होल होने वाला है। साथ में आपको HD रेजोल्यूशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आगे बढ़े तो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। 2.3 GHz ऑक्टाकोर की स्पीड इस डिवाइस की होने वाली है और साथ में यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 720G की चिप प्रोवाइड की जाएगी। 8 नैनोमीटर वाली चिप है और ये 4G वाली चिप है, यानी कि पाकिस्तानी मार्केट में ये चिप आपको मिल जाएगी, जबकि 5G के लिए स्नैपड्रैगन 750G की चिप प्रोवाइड की जाएगी। ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस दोनों चिपसेट्स की सेम है, लेकिन वो 5G चिप और ये 4G चिप होने वाली है। आगे बढ़े तो एड्रेनो 618 का जीपीयू इस डिवाइस का होने वाला है। सुपर एमोलेड टच स्क्रीन इस डिवाइस की होगी जिसका साइज 6.5 इंच होने वाला है और ये डिस्प्ले आपको 1080x2400 pixels की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आपको तो बहुत गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। इंटरनल स्टोरेज को डिस्कस करें तो दोनों एडिशन के दो वेरियंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें बस 16 GB ऑफ रैम 128 GB ऑफ रोम वाला वेरियंट है, जबकि दूसरा वेरियंट 8 GB ऑफ रैम 256 GB ऑफ रोम वाला वेरियंट होने वाला है। इंटरनल स्टोरेज दोनों एडिशन की सेम होने वाली है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस डिवाइस में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसके हम बैटरी को डिस्कस करें तो 4500 mAh की बैटरी इस डिवाइस में पैक की जाएगी और साथ में आपको 25W की फास्ट चार्जिंग स्पॉट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आई थिंक ये बैटरी लाइफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला, क्योंकि मैसी बैटरी और साथ में फास्ट चार्जिंग स्पॉट भी अवेलेबल है। अब एट दी एंड अगर इसके हम प्राइस को डिस्कस करें तो कन्फर्म प्राइस अभी तक रिवील नहीं की गई, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड प्राइस टैग अराउंड अबाउट 60,000 से स्टार्ट हो सकता है। मिड रेंज प्राइस टैग में ये डिवाइस एक्सपेक्ट की जा रही है। सो देखना ये होगा कि ये डिवाइस अब किस टाइम पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये थे, वीडियो में करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक ले जल्द दीजिए। दिस इज मी शहजाद मकसूद। अल्लाह हाफिज़।